तद विष्णु परिमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवे मुचक्षुरततम। इस जीवन के चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर हर्ष हुआ, कितनों से मिल संताप हुआ, जिससे मिलना था मिल ना सके बस यही पश्चाताप हुआ। बहुत से लोग सदा अपने दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झूमती हरदम, जो जलती चिता पर बैठ कर बीड़ा बजाते हैं, जो जलती चिता पर बैठ कर बीड़ा बजाते हैं। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज कुबेर नगर के सभी पदाधिकारीगण, धर्म से सज्जनों, घरों में बैठी वंदनिया मातृ शक्ति, देश के होनहार घरों में बैठे बच्चों, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर समय है। सत्संग का आप लोग लाभ ले रहे हैं। परमपिता परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया है, ये अच्छा काम करने के लिए दिया है, तो ये जीवन कैसे सुंदर बनता है जब हम परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठ करके उसके गुणों का वखान करते हैं। तो परमात्मा हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, सहानुभूति देता है, लेकिन हमको बैठने का ढंग सही करना पड़ेगा। वो ढंग कौन सा? छल कपट इत्यादि पाप दूषित विचार का त्यागन करके हम उसके समीप बैठेंगे। याद रखना, वो पिता आपको सामर्थ्य देगा। लेकिन आज परमपिता परमात्मा के सच्चे प्यार को हम भूल गए। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक बार पांचों भाई युधिष्ठिर अर्जुन भीम नकुल सहदेव गुरुवर विश्वामित्र के पास में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। निवेदन कर देना चाहता हूं, तो प्रथम दिन में, पहले दिन गुरुवर ब्रजा विश्वामित्र जी ने एक छोटा सा पाठ याद करने के लिए दिया था, और वो पाठ कौन सा था? क्रोध मत कर। कौन सा पाठ था? क्रोध मत कर। छोटा सा ही पाठ था, याद हो जाना चाहिए। दूसरे दिन जब पांचों भाई इकट्ठे हुए तो गुरुजी ने सहदेव से सुनना शुरू किया। सहदेव से कहा, सहदेव ने भी खड़े होकर के एकदम सुना दिया, क्रोध मत कर। नकुल का नंबर आया, उन्होंने भी कह दिया। अजी सबके नंबर आते रहे और वो बोलते रहे। युधिष्ठिर जी का जब नंबर आया तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमें पाठ याद नहीं हुआ। बोले, तुम तो आयु में सबसे बड़े हो, योग्य हो, आपको तो पहले याद होना चाहिए। शांत चित होकर के बैठ गए, गुरु जी बोलते रहे। बोले, ठीक है, कल को याद करके आना। क्रोधी तो थे ही, सब जानते हैं, विद्वान तो थे लेकिन क्रोध था उनके अंदर। ऐसे ही कई दिन हो गए, लगातार सबसे सुनना प्रारंभ करते थे, सब भाई सुना देते थे। युधिष्ठिर जी का जब नंबर आता था तो युधिष्ठिर जी एकदम खड़े होकर के कहते थे, गुरु जी हमें पाठ नहीं याद हुआ। गुरुजी ने क्रोध में कहा, युधिष्ठिर तुम सबसे योग्य हो, आयु में बड़े हो, चलो
कल के लिए याद करके आना। फिर बोल दिया क्रोध मत कर। बोले ठीक है गुरुजी, मैं कल को याद करके आऊंगा, संभवतः याद करके आऊंगा। निवेदन कर रहा हूं। अब गुरुजी की तो एकदम उन्हें सोचा आज युधिष्ठिर जी से ही निपटना है। छोटे वाले सब सुना रहे हैं, ये बड़ा योग है, आयु में बड़ा विद्वता है और इसके पाठ याद नहीं हुआ। जैसे ही इकट्ठे हुए उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर जी का ही नंबर लगा दिया और कहा सुनाओ तुम्हें पाठ याद हुआ नहीं। कहने लगे हमें गुरु जी पाठ नहीं याद हुआ। अब जब इतना कहा तो गुरु जी दंडित करने लगे, पीटने लगे। अब गुरु जी थे दुबले पतले, जब थक गए ताड़ना देते देते और थक करके जब खड़े हुए तो युधिष्ठिर जी के तरफ को जब देखा तो युधिष्ठिर जी तो मुस्कुरा रहे थे। बोले अच्छा अब भी मुस्कुरा रहा है। निवेदन कर रहा हूं युधिष्ठिर जी ने कहा आपने ही तो पाठ पढ़ाया था क्रोध मत कर। इतनी बात को जब कहा तो युधिष्ठिर जी महाराज को छाती से लगा लिया और कहने लगे अरे संभवतः पाठ तो तुम्हें पहले से ही याद था, इस पाठ को मैं खुद ही भूला पड़ा था। निवेदन कर रहा हूं परमपिता परमात्मा का जो पाठ है ना वो आज इंसान भूल गया, उससे प्यार नहीं करता। आइए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है परमपिता से प्यार नहीं शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं अन्य फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य ये बदले में ना कुछ लेता है। निवेदन कर रहा हूं अन्य फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है, लेकिन है आश्चर्य ये बदले में ना कुछ लेता है। अन्न कोई बेकार नहीं, अन्न कोई बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे दानी का ओ वंदे माने तू उपकार नहीं। परमपिता से प्यार नहीं निवेदन कर रहा हूं। देखो परमपिता परमात्मा जो मित्रों का भी मित्र है ना, राजाओं का राजा है और सबसे बड़ा दानी है। अन्य फूल फल मेवाओं को समय समय पर देता है और लेकिन है आश्चर्य ये बदले में ना कुछ। अन्य कोई बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, ऐसे दानी का ओ वंदे माने तू उपकार नहीं। अरे पगले कहां जा रहा है, उपकार नहीं मान रहा उसका। अरे निवेदन कर रहा हूं दूसरी बात सुनो मानव चोले में ना जाने कितने अंग बनाए हैं, कीमत न कोई आंक सका ऐसे अमूल बनाए हैं। कोई व्यक्ति से कहे ना एक आंख दे दो अपनी, 5 लाख रुपए दूंगा, देने के लिए तैयार नहीं होगा। और परमात्मा ने कोई पैसा लिया? कोई पैसा लिया ही नहीं। और इतना सुंदर आंख नाक कान जिव्या दांत इत्यादि इंद्रियां बना दी। मानव चोले में ना जाने कितने अंग बनाए हैं, कीमत न कोई आंक सका ऐसे अमूल बनाए हैं।
अंग कोई बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का वंदे माने तू उपकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, पिताओं का पिता है उससे प्यार कर लो। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र बनाए हैं, और कीमत ना कोई आंक सका ऐसे अमूल बनाए हैं। कोई भी अंग बेकार नहीं है। ऐसे कारीगर का बंदे माने तो उपकार नहीं, निवेदन। वो कारीगर है और कमाल का कारीगर है, उसकी रचना का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कोई कोई व्यक्ति तोतला हो जाता ना, कोई बोरा हो जाता है। गर्भ के अंदर रचना करता लेकिन नजर नहीं आए, और बिन सुई बिन धागे के कैसे जोड़ लगाए। कोई लंगड़ा है और कोई लूला है, कोई गोरा है कोई काला है, कोई है कितना छवदार। कभी कभी देखा ना, कोई नौजवान सांवला होता है ना, लेकिन उसको चेहरे का फेस कितना बढ़िया होता है जी, कमाल की रचना करता है। और तीसरी बात और सुनो, जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। जलवायु और अग्नि का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं, खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। ऐसे शिल्पी कार का वंदे माने तू उपकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से। निवेदन कर रहा हूं, विचार करने की चीज है। जल वायु और अग्नि का लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं दीवार नहीं। ऐसे शिल्पी कार का वंदे माने तू उपकार नहीं। अपने जीवन को सुंदर बना लो, और वो शिल्पकार है जी, इतनी सुंदर ढंग से कभी भी जल का वायु का अग्नि का हमसे किराया नहीं लेता। हम गर्म के मौसम में जिससे जीवन चलता है, वायु एक मिनट को बंद कर देना तो अकाल आ जाएगा दुनिया में, पता लग जाएगा जो नहीं मानते परमात्मा को है जी। घर में एसी पंखा का हम इस्तेमाल करते ना तो महीना में हमको बिल भरना पड़ता है, कई सौ रुपए आ जाते हैं। लेकिन वो परमात्मा इतना बड़ा दानी है, कोई भी पैसा नहीं लेता। और उसकी व्यवस्था देख लो, सूरज चांद सितारों का जाने बिजली घर बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते कहां कनक सन जुड़ा हुआ। एक मिनट को देख लो आप, जो उसका चक्र है चलता है। लेकिन इंसान एक ही पिता एक ही माता है मनुष्योनी का, लेकिन इतना अशल कपट भेदभाव। सूरज चांद सितारों का जाने बिजली घर बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देते कहां कनक सन जुड़ा हुआ।
खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं मीनार नहीं, कोई शिल्प सालार नहीं, कर्मों का फल देता सबको रिश्वत की सरकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। निवेदन कर रहा हूं, सूरज चांद सितारों का जाने बिजली घर बना हुआ, और पल भर को धोखा नहीं देते कहां कनेक्शन जुड़ा हुआ, खंबा और कोई तार नहीं, खड़ी कहीं मीनार नहीं, और कोई सिपह सालार नहीं, कर्मों का फल देता सबको रिश्वत की सरकार। याद रखना, वहां रिश्वत नहीं चलेगी। कर्म मीमांसक जी हुए एक बहुत बड़े विद्वान, उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है दंड व्यवस्था, महाराज मनु ने भी लिखा है, लेकिन कर्म मीमांसक जी लिखते हैं कि दंड दो प्रकार का होता है। जैसे आपके घर में कोई चोर घुस जावे तो आप उसको पकड़ करके दंडित करेंगे और फिर पुलिस को दे देंगे, है जी, पुलिस जेल में भेज देगी, कुछ दिन के बाद में छूट करके आ जाएगा। लेकिन परमात्मा की दंड व्यवस्था जानते हैं आप, कोई सिपह सालार नहीं और रिश्वत का बाजार नहीं, कर्मों का फल देता सबको। याद रखना, इस दंड व्यवस्था से तो मनुष्य दंड व्यवस्था से इंसान बच जाता है, लेकिन परमात्मा की दंड व्यवस्था ऐसी है, उसके न्यायालय में रोज न्याय की व्यवस्था लिखी जा रही है। एक बार पंडित लेखराम जी कथा कह रहे थे, और आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, मुगला नाम का डाकू था। अरे उसके मारे लोग ऐसे भय खाते थे कि घरों में से नहीं निकलते थे, गली खाली हो जाती थी। पंडित जी कथा कह रहे थे और मुगला और उनके साथी निकल कर जा रहे थे। पंडित जी बोल रहे थे कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है ना, उसको वैसा ही फल परमात्मा देता है, वेद भगवान भी कहता है, और योगीराज कृष्ण ने भी बड़ा सरल रूप में समझा दिया, जैसा कर्म करोगे वंदे फल देगा भगवान, सबने समझाया। अब मूला डाकू के कान में ये आवाज गई तो अपने साथियों को लेकर के वो सत्संग भवन में पहुंच गया, और वहां जब पहुंचा लोग जो सत्संग सुन रहे थे ना, पैरों के तरे की धूल उड़ गई और उठ के चल दिए, सब धीरे धीरे चल दिए। अब पंडित जी अकेले ही रह गए, उन्होंने कहा पता नहीं क्या बात है आज लोग उठ के क्यों जा रहे हैं। मुगला ने जाकर के पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप जो अभी बोल रहे थे कि जो मनुष्य जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतान लेना पड़ता है, बोले ये बात सही है क्या। कहा जी 100% सच है, सब ऋषियों ने मनुष्यों ने ग्रंथों ने बताया है। बोले अच्छा, कहने लगे मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। बोले ठीक है। उन्होंने कहा मैं अमुक महाशय जी के ठहरा हूं, मिल लेना मुझसे। चला गया। लोगों ने सोचा बड़ा अच्छा हुआ पंडित जी को छोड़ दिया आज इसने। अब दूसरे दिन को जब मुगला और उसके साथी आ रहे थे, गांव वाले ने सोचा अरे आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कल तो पंडित जी को छोड़ दिया था लेकिन आज नहीं छोड़ने का। अब मुगला अपने साथियों को लेकर के पंडित जी के पास में आया और अन्य निवेदन किया। कहने लगा पंडित जी एक बात तो बताओ, मैंने तो जीवन भर कोई शुभ कार्य किया ही नहीं, इन हाथों से इस तलवार से पता नहीं कितने लोगों की गर्दन लहू बहा दिया, कितने निर्धनों के घर लूटे, जिमीदारों की बैंकों से घर में अलमारियों से पैसा लूटा, मेरा क्या होगा। तो पंडित जी ने बड़ा सरल भाव में उनको समझाया कि कल आप आर समाज में आइए और मैं अपने हाथों से आपको इज्जो पवित्र दूंगा,
आपका जनेऊ संस्कार करूंगा, जो किया सो किया, लेकिन अगले आपका जीवन सुरक्षित बनेगा। निवेदन कर रहा हूं, पंडित जी के सानंद में आकर के बहुत बड़ा विदेश में जाकर भी उस व्यक्ति ने प्रचार किया। तो याद रखना, वो परमात्मा किसी को नहीं देता है, दुख सुख देता है, सुख रूप है, ये कर्म विधान है। तो अच्छा काम करो। आइए ये गीत सेवा में रखकर पीछे हटूंगा। लिखा है, भजन कर इसका प्राणी अगर आनंद पाना है। ये गीत चला था बहुत समय पहले जब मैं सीख रहा था। और एक नौजवान गा रहा था, नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। मैंने कहा यो गीत गाने से तेरा कल्याण नहीं होगा। मैंने कहा अपने जीवन को सुंदर और परम भक्त बनाना चाहता है तो लिखा, भजन कर इसका प्राणी अगर आनंद पाना है, कर्म उत्तम कमाए जा अगर सम्मान पाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, तेरे साथ जाना है, तेरे साथ जाना है। भजन कर इसका प्राणी अगर आनंद पाना है, कर्म उत्तम कमाए जा अगर सम्मान पाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, तेरे साथ जाना है। जो जैसा कर्म करता है फल वैसा ही पाता है। निवेदन कर रहा हूं, जो जैसा कर्म करता है फल वैसा ही पाता है, कभी मिर्चों के बदले में न मीठा आम खाता है, कभी मिर्चों के बदले में न मीठा आम खाता है, करता रहा जो बुराई सदा, करता रहा जो बुराई सदा, करता रहा जो बुराई सदा, भले की भाव ना रख कर तुझे गिर कर संभलना है, कर्म उत्तम कमाए जा अगर सम्मान पाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, तेरे साथ जाना है, तेरे साथ जाना है। भजन कर इसका, भलाई करने वालों से बुरा तूने कहा होगा। निवेदन कर रहा हूं, भलाई करने वालों से बुरा तूने कहा होगा, लहू निर्दोष का पीकर समझ करके पिया होगा, लहू निर्दोष का पीकर समझ करके पिया होगा, एक दिन तुझे पछताना पड़े, हाँ एक दिन तुझे पछताना पड़े, भले की भाव ना रख कर तुझे गिर कर संभलना है, कर्म उत्तम कमाए जा अगर सम्मान पाना है, बस कर्म का खजाना, बस कर्म का खजाना
तेरे साथ जाना है बस कर्म का खजाना, तेरे साथ जाना है, तेरे साथ जाना है, तेरे साथ जाना है। भजन कर इसका प्राणी अगर आनंद पाना है, कर्म उत्तम कमाए जा अगर सम्मान पाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, बस कर्म का खजाना। ये तेरी ठंडी आहे ही तेरा सुख दुखों का साया है, निवेदन कर रहा हूं। ये तेरी ठंडी आहे ही तेरा सुख दुखों का साया है, कभी जलता है फिर तूने किसी का दिल दुखाया है, कभी जलता है फिर तूने किसी का दिल दुखाया है। करता रहा जो बुराई सदा, करता रहा जो बुराई सदा, किसी जलते हुए मजनूम के घर को बचाना है, किसी जलते हुए मजनूम के घर को बचाना है। कर्म उत्तम कमाए जा अगर सम्मान पाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। भजन कर इसका प्राणी अगर आनंद पाना है, भजन कर इसका प्राणी अगर आनंद पाना है, कर्म उत्तम कमाए जा अगर सम्मान पाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है, तेरे साथ जाना है, तेरे साथ जाना है, बस कर्म का खजाना तेरे साथ जाना है। निवेदन किया था, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल वो परमपिता परमात्मा देता है। इसलिए जब अच्छा काम करोगे, अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा पाओगे। और मैंने कल बताया था, ये जीवन पुष्प जैसी सुगंधी देता है, जैसे पुष्प अपनी सुगंधी देता है वैसे ये मानव जीवन, अगर इसको सुगंधित बनाएंगे तो कब बनेगा ये सुगंधित? परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठ करके उसके गुणों का जब बखान करेंगे तो जीवन सुगंधित बनेगा, छल कपटी नहीं बनेगा, अच्छे विचार वाला जीवन बनेगा। जो छल कपट कलह के विचार हैं, पाप रूपी विचार हैं, जब उसके सानंद में बैठेंगे ना तो परमात्मा जो मित्रों का मित्र है, राजाओं का राजा है, न्यायाधीशों का न्यायाधीश है, दानियों का दानी है, वो सब कुछ आपको देगा, आपकी झोली भर देगा। ये थोड़े से विचार मैंने आपके सामने रखे, आप लोग बड़ा धैर्य और श्रद्धा से सुनते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। आयु में सब संभक्ता मेरे से बड़े हैं, मैं आपके सामने विद्यार्थी हूँ, कुछ विद्या अध्ययन करके आता हूँ, वहाँ करता हूँ, वो आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, परमपिता परमात्मा के सानंद में बैठकर अपने जीवन को, जीवन की कला को अच्छे ढंग से चला रहे हैं। परमात्मा आपको सामर्थ्य दे, शक्ति दे और धनधान से आपकी झोली भरी रहे, जो ऐसे शुभ कार्य में दान करते रहे। आइए सीधे होकर के बैठेंगे। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति से देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतरेव शांति सामा शांतरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।
जो बोले सो अभय। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की, गुरुवर ब्रजानंद महाराज की, योगीराज श्री कृष्णंद महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता का, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज, देश पर शहीद हुए सभी वीर वीरांगनाओं की, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, प्रणव धुनी। ओ वैदिक वादन सबको सादर नमस्ते जी, नमस्ते जी। प्यारे भाई और बहनों, अहमदाबाद बड़ा भाग्यवान है, उसमें भी हमारा सैदपुर और कुबेर नगर अति भाग्यवान है, जिसमें हमारे पास ऐसे अच्छे अच्छे विचारों वाले आचार्य पंडित जी आते हैं और हमें प्रवचनों द्वारा हमारा जीवन सुधारते हैं। हम उनके सहभागी हैं कि वे हमें इतना बढ़िया कर्मफल समझाते हैं। हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते चलें ताकि हमारा जीवन सुधार हो। धन्यवाद।